कुलभूषण यादव की सजा रुकवाने के लिए आलमी अदालत में दायर दरख्वास्त का फायदा नहीं होगा। भारत का एतराफ, पाकिस्तान 29 मार्च से ही दिफाई और कौमी मामलात पर आलमी अदालत के दायरे अख्तियार को खत्म कर चुका। पाकिस्तान पीर को आलमी अदालत के दायरे अख्तियार को चैलेंज करेगा, भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय शहरी उज्मा का झूठ पर झूठ, पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अदालत पहुंच गई। जान को खतरा है, भारत जाने की इजाजत दी जाए, दरखास्त में इस्तदा। भारत में बेटी बीमार है, मिलना चाहती हूं, उज्मा की दरखास्त सबात के लिए मंजूर। दरखास्त में वजारत खारजा और ताहिर खान को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ चीन के सदर की दावत पर 6 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। नवाज शरीफ सीपैक के बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत कर रहे हैं। चारों वज़रा-ए-आला और अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह बेल्ट एंड रोड फोरम में 27 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। चीन का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब दुनिया में चीनी सिक्का चलेगा। वन बेल्ट वन रोड का पहला फोरम इतवार को चीन में होगा। 5 बड़े आजमों के 100 से ज्यादा ममालिक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके, भारत शामिल नहीं। डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ने यूरोपीय यूनियन को हिला कर रख दिया। एडिशनल डायरेक्टर एफआईए वाजिद ज़िया की ज़ेर सदारत जीआईटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाया गया रिकॉर्ड मौसूल। वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के गैर मुल्की अकाउंट्स और असासजात की तफसीलात के लिए गैर मुल्की माहरीन की मदद लेने का फैसला। मालूमात के तबादले का माहिदा न होने के बाइस बरतानिया और दीगर ममालिक से मालूमात के हुसूल में दुश्वारी। न्यूज लीक्स रिपोर्ट के बाद फौज के खिलाफ मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात शुरू कर दी गई। 2 फेसबुक अकाउंट दिल्ली और चेन्नई से ऑपरेट हो रहे हैं। रोजनामा 92 न्यूज में अहम इंकशाफात। मदान यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म का कत्ल, मशाल खान के वालिद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वकील का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में मिशाल को कत्ल किया गया। मिशाल के वालिद कहते हैं वो पाकिस्तान के हर घर के लिए इंसाफ चाहते हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 4थे रोज में दाखिल। माल की तरसील रुकने से बरामद कुनंदगान शदीद परेशानी का शिकार। वक्त पर शिपमेंट न होने की वजह से बरामदी ऑर्डर मंसूख होने का खतरा। चमन पाक अफगान सरहद आज 8वें रोज भी बंद। चमन पाक अफगान सरहद की बंदिश से अफगान ट्रांसिट ट्रेड और नेटो सप्लाई बददस्तूर मौतल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज सरगोधा में पावर शो, जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। 25,000 कुर्सियां लगा दी गयी। खवातीन के बैठने का हिस्सा चारों अतराफ से खारदार तारे लगा कर सील। खिलाड़ियों के दाखिले के लिए स्टेडियम में 6 अतराफ से दाखिले रास्ते मुतय्यन। शहर की मरकजी शाहराहों पर तहरीक इंसाफ के बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का मामला, एफआईए ने गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम चित्राल से फैसलाबाद फिर मरीजा पहुंचे। गिरफ्तार होने वालों में साकिब खान, उसके 2 साथी और खातून भी शामिल। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रोजनामा 92 न्यूज टीम का शहर शहर शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए। रोजनामा 92 न्यूज की कामयाब इशात पर मुबारकबाद। शहरियों का कहना है कि रोजनामा 92 न्यूज मजलूम और पिसे हुए तबके की आवाज है। अल्लाह ताला आसमाने दुनिया की तरफ अपने शयान शान नुजूल फरमाता है।
शब-ए-बारात पर नाज स्टूडियोज़ का खुसूसी प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक की सआदत क़ारी हबीब अहमद नईमी ने हासिल की। मुफ्ती फारूक और कादरी ने इस बाबरकत रात के फजाइल बयान किए। प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रौफी ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश की। सानहे 12 मई को 10 बरस बीत गए, मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर। वकला आज सिंध भर में यौम सियाह मना रहे हैं। वकला की हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बायकॉट, सूबे भर की अदालतों में काम बंद। साबिक चीफ जस्टिस की कराची आमद पर खून की नदियां बहा दी गई, कई गाड़ियां नजर आतिश, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। वसीम अख्तर समेत 19 मुलजिम गिरफ्तार हुए, फर्द जुर्म नहीं लगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन। वेस्ट इंडीज के बगैर किसी नुकसान पर 14 रन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 376 रन बनाए। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 362 रन दरकार हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंदों के तशद्दुद की नई वीडियो सामने आ गई। इंतहा पसंद हिंदू भैंस ज़िबाह करने के इल्जाम में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। दुबई में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन गिनीज रिकॉर्ड बुक में शामिल। 30 फवारों की मदद से 893 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली इस लाइव प्रोजेक्शन ने 360 डिग्री जाविये पर हरकत करते हुए देखने वालों को मसहूर कर दिया। मारूफ पॉप गुलुकार जस्टिन बीबर भारतीयों को चूना लगा गए, शो फ्लॉप हो गया। 2 घंटे के कॉन्सर्ट में सिर्फ 4 गीत ही लाइव गाए, बाकी गानों पर लिप सिंगिंग करते रहे। शो में 45,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, महंगा तरीन टिकट 75,000 से ज्यादा का फरोख हुआ।